तो ये पान लिया हमने, कश्मीरी मीठा पान, तो ट्राई करते हैं, काफी बड़ा है ये। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सुबह मेरोत्रा और आज की वीडियो में हम जाएंगे घूमने इंडिया। मेरा मतलब है सरी। सरी यहाँ वैंकूवर के पास एक सिटी है छोटी सी, जो कि एकदम इंडिया की तरह है। काफ़ी सारे इंडियंस रहते हैं यहाँ पे, और अगर आपको कोई भी इंडियन सामान चाहिए हो, इंडियन खाना चाहिए हो, तो सरी में काफ़ी इजीली मिल जाता है और ऑलमोस्ट सभी कुछ मिलता है जो भी इंडिया में मिलता है। तो वो एक तरह का लिटिल इंडिया है यहाँ वैंकूवर में। तो आज हम जाएंगे वो घूमने, काफ़ी अच्छा अच्छा खाना भी खाएंगे, और आज मेरे साथ मेरी मॉम भी जाएंगी। काफ़ी अच्छा दिन है, धूप निकली हुई है। कुछ कहना है आपको? लास्ट वीडियो में ना मैं अपना नाम नहीं बताया, आई शुड हैव टोल्ड यू माय नेम इज संजना मेहरोत्रा और मैं इसकी मॉम हूँ। चल डक्स देखते हैं, वो देख डक्स आ गई उधर, फिर अभी, वो चली अभी बाद में देखेंगे डक्स, रुक जाओ पहले इंट्रो करने दो। हाँ, तो लास्ट वीडियो में नाम बताना भूल गई थी मॉम, पर नाम बता दिया है। तो यहाँ काफ़ी अच्छा दिन निकला हुआ है, धूप है, काफ़ी मज़ा आएगा घूमने में। और अभी हम यहाँ एक पार्क में आए हैं, और यहाँ पे एक खास बात ये है पार्क में कि यहाँ पे एक ये बुक स्टोर या बुक शेल्फ टाइप कुछ भी जो भी आप कहना चाहो, या स्मॉल लाइब्रेरी बनी हुई है। यहाँ पे लोग बुक्स निकाल लेते हैं जब भी, जो भी उन्हें अच्छी लगे, जो भी वो पढ़ना चाहते हैं, और अपनी अगर उनकी कोई ऐसी बुक है जो वो पढ़ चुके हैं या यूज़ नहीं करते हैं तो वो यहाँ पे छोड़ जाते हैं और यहाँ से बुक्स ले जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे जो लोग होते हैं, इस नेबरहुड के जो लोग हैं, वो कभी कभी यहाँ पे ये साफ सफाई भी कर देते हैं इसकी। आप यहाँ बुक्स ले सकते हो और यहाँ बेंचेस बनी हुई हैं, यहाँ बैठकर आप आराम से पढ़ सकते हो, यू नो, अलॉन्ग द लेक। यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो ये बुक्स और घर भी ले जा सकते हो इफ़ यू वांट टू रीड इट एट होम, क्योंकि बुक्स इतनी जल्दी तो खत्म कर नहीं सकता कोई। हाँ, बट यू हैव टू ब्रिंग इट बैक। ये नहीं कि आप अपनी प्रॉपर्टी समझ के ले गए, यू हैव टू ब्रिंग इट बैक सो दैट सारे लोग पढ़ सकें उसको। या चलो चलते हैं और शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमें इतनी भूख लगी थी कि सरी में सीधा हम यहाँ हैप्पी सिंह रेस्टोरेंट आए। और इस रेस्टोरेंट की खास बात यह है कि ये सेल्फ सर्व रेस्टोरेंट है। यहाँ पे आप खुद स्क्रीन्स पे अपना ऑर्डर करते हो और फिर जब आपका ऑर्डर रेडी हो जाता है तो आप पिकअप करने डिफरेंट डिफरेंट काउंटर्स पे चले जाते हो। और जैसे कि आप देख ही सकते हैं, इनका मेन्यू भी काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, काफ़ी ज़्यादा वेराइटी है डिफरेंट डिफरेंट शेक्स और डिफरेंट डिफरेंट तरीके के खाने की। तो हमने अभी लिया है छोले भटूरे, दही बटाटा पूरी और आलू चाट। और ऑर्डर स्क्रीन के साथ ही पे करने के लिए मशीन भी लगी हुई है। नाइस। तो यहाँ पे ऑर्डर करने के बाद ये ऐसे टिकट्स मिल जाती है और यहाँ पे नंबर लिखा होता है और आपका नंबर वहाँ ऊपर स्क्रीन में भी है। जब रेडी हो जाएगा तो आपको पता लग जाएगा स्क्रीन में और आप जाके पिकअप कर सकते हो अलग अलग काउंटर से। काफ़ी अच्छा लग रहा है, आलू चाट एंड दही से पूरी, दही बटाटा पूरी। तो ये छोले भटूरे मंगाए हमने, एक भटूरा तो फूला हुआ है, एक थोड़ा सा खुश हो गया है। स्पून से क्या, हाथ से ही खा लेता हूँ ये तो मैं। कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है। आलू चाट भी ट्राई कर। आलू चाट भी बहुत अच्छी है, ऐसा आप घर पे बनाते थे इंडिया में? तो अभी हम खाना खा के वापस आ चुके हैं गाड़ी में। हैप्पी सिंह से काफ़ी ज़्यादा अच्छा खाना था और साथ में हमने मैंने आलू पैटीज भी पैक करा लिए, दो आलू पैटीज पैक करा लिए रात के लिए। तो आपको कैसा लगा खाना?
खाना बहुत अच्छा था, बट आई कुडंट थिंक के तू अभी इतना पेट भरा हुआ है, रात के लिए भी पैक करा लिया, बट ओके अब बार बार थोड़ा आना होता है सरी जब आयो तो सब लेके ही चलो। ओके तो अभी हम आए हैं टिम हॉर्टन्स कॉफी पीने। जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया, काफी फेमस फास्ट फूड चेन है टिम हॉर्टन्स कनाडा में। तो यहाँ हम अभी ड्राइव थ्रू आए हैं, काफी कन्वीनियंट होता है ड्राइव थ्रू यहाँ पे। ऑलमोस्ट हर एक ही फास्ट फूड रेस्टोरेंट के ड्राइव थ्रू हैं, इवन बैंक्स के भी ड्राइव थ्रू हैं, मतलब एटीएम यहाँ लगाया होता है, आप शीशा खोलो और अगर आपको एटीएम में पैसे डालने या पैसे निकालने आप अपने कार से कर सकते हो। तो अभी हम लेते हैं कॉफी और फिर आगे हम चलते हैं पायल बिजनेस सेंटर घूमने, जो कि इट्स लाइक सेक्टर 17 होता है ना जैसे चंडीगढ़ का, वैसे यहाँ पे सिमिलर बना रखा है इन्होंने। कैन आई प्लीज गेट अ मीडियम डबल डबल? तो यहाँ पे कनाडा में कॉफी जैसे ऑर्डर करते हैं, सबसे जो मोस्ट कॉमन कॉफी होती है वो डबल डबल होती है। डबल डबल का मतलब होता है टू क्रीम एंड टू शुगर। अगर आप कोई भी कॉफी शॉप में जाके कनाडा में डबल डबल बोलोगे तो वो आपको दो क्रीम दो शुगर की एक कॉफी बना देंगे, या इवन चाय भी बना देंगे अगर आप डबल डबल टी बोलते हो तो। बट यहाँ ये सिर्फ कनाडा में ही है स्लैंग, अगर आप किसी और कंट्री में ऐसे बोलोगे तो, या यूएस में जाके नीचे बोलोगे तो उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। कॉफी ले ली है, येलो कॉफी। थैंक यू। अब हम चलते हैं पायल बिजनेस सेंटर। अभी हम पहुंच चुके हैं पायल बिजनेस सेंटर, और जैसा मैंने आपको पहले बताया था ये एकदम चंडीगढ़ सेक्टर 17 की तरह है, और यहाँ पे एक्चुअली सेक्टर 17 लिखा भी हुआ है इन्होंने एक शॉप के बाहर, मैं दिखाता हूँ आपको। वहाँ पे 17 सेक्टर लिखा हुआ है और यहाँ पे सारी इंडियन शॉप्स आपको मिल सकती है, सोना ज्वेलर्स, न्यू क्लॉथ हाउस, चौहान ज्वेलर्स। और वैसे यूजुअली जो कैनेडियंस होते हैं वो बैंक्वेट हॉल यूज़ नहीं करते हैं कोई भी पार्टीज के लिए, बट यहाँ पे आपको दिख सकता है वहाँ पे एक बैंक्वेट हॉल है और उधर पंजाब बैंक्वेट हॉल एक और है वहाँ पे। तो जैसा इंडिया में जैसे शॉपिंग होती है, जिस टाइप के स्टोर्स होते हैं वैसे ही आपको सिमिलर यहाँ पे मिलता है पायल बिजनेस सेंटर में। और यूजुअली जब जैसे लोग शादी के लिए ड्रेसेस लेते हैं, इंडियन ड्रेसेस बनवाते हैं, वो यहाँ पे काफ़ी अच्छी बनती है, काफ़ी अच्छी अच्छी शॉप्स हैं ड्रेसेस की और ज्वेलरी की यहाँ पे। अभी हम जा रहे हैं अग्रवाल स्वीट्स मिठाई लेने, जाके देखते हैं कौन कौन सी मिठाई है इन पे और आप लोगों को भी दिखाते हैं। और अब सर ही आए हैं तो इंडियन मिठाई लेना तो बनता ही है। गणेश चतुर्थी थी ना परसों, उसके अवसर पर इन्होंने मोदक भी बनाए हुए। तो अभी हमने अग्रवाल स्वीट से एक पाउंड मोतीचूर के लड्डू लिए हैं, जो कि मेरे फेवरेट लड्डू हैं। और अब हम जा रहे हैं पान खाने, यहाँ पे एक रॉयल पान शॉप है, वहाँ पे काफ़ी टेस्टी पान मिलता है, तो जाके वो भी ट्राई करते हैं। ये पान लिया है हमने, कश्मीरी मीठा पान, तो ट्राई करते हैं। काफी बड़ा है ये, एक बार में पूरा तो मैं खा नहीं सकता, वो खुल गया है तो तो ट्राई करते हैं। बहुत अच्छा है, मीठा है पान। आई लाइक मीठा पान। पान खा रहा है, परोंठा खा रहा है, ऐसे थोड़ी ना पान खा रहे हैं। बाइट बड़ा है वैसे, पूरा तो जाएगा भी मुंह में। एक एक छोटी सी लास्ट की बाइट मेरे को देना। अभी हम आए हैं स्पोर्ट्स टेक, यहाँ पे ये थोड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स टाइप है, काफ़ी सारे शॉप्स हैं।
यहाँ पे अभी हम जाएंगे स्पोर्ट्स चेक, एक दो कपड़े देखते हैं, एक दो टी शर्ट्स लेनी थी मुझे, और उसके बाद हम जाएंगे कनेडियन टायर। गाड़ी का वाइपर हमारा थोड़ा ख़राब हो रहा था और अभी फॉल है, बारिशों का मौसम भी है, तो वाइपर लेंगे कनेडियन टायर से और फिर खुद ही चेंज कर देंगे उसे। यहाँ छोटे मोटे काम तो खुद ही करने पड़ते हैं ऐसे। कौन सी टी शर्ट देख रहे हो? सभी कुछ अच्छा लग रहा है आपको तो? नहीं, ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था। या कलर तो अच्छा है ऑरेंज। But just let me know you want a full sleeve or a half sleeve? Full. क्योंकि विंटर्स आ रही है, full sleeve. एक काम करते हैं, we can take this color in full sleeve and this in half. Sure. ये दो लिए हैं अभी हमने, ये दो हैं टी शर्ट्स, अभी इन्हें जाके ट्राई करते हैं, होपफुली आ जाए साइज सही। तो जो दो टी शर्ट देखी थी वो तो ज़्यादा अच्छी फिटिंग आई नहीं उसकी, और वो थी भी हाफ स्लीव, अभी विंटर आ रही है तो फुल स्लीव ही लेनी चाहिए। और अभी हम चलते हैं कैनेडियन टायर की तरफ, वाइपर लेते हैं और फिर वो चेंज करेंगे गाड़ी का। तो अभी हम आए हैं कैनेडियन टायर, यहाँ से हम वाइपर प्लेट लेंगे अपने कार के, और यहाँ ये कार शॉप है और घर का भी थोड़ा बहुत सामान मिलता है यहाँ, और यहाँ पे इनका ऑटो सेंटर भी होता है, तो अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए तो आप ऑटो सेंटर में अपनी गाड़ी ला के ठीक करवा सकते हैं। तो यह जैसे मैंने बताया ऑटो सेंटर के बारे में, बट इनका चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे, इनकी जो लेबर कॉस्ट होती है वो ही सिर्फ अराउंड $100 एन आवर होती है, और ऊपर से पार्ट्स का अलग और बाकी खर्चे अलग। चलो अब चलते हैं कैनेडियन टायर के अंदर और आप लोगों को भी दिखाते हैं ये अंदर से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे साइकिल्स, कार का सामान, घर का सामान, सारे स्पोर्ट्स का सामान सब कुछ मिलता है, और काफ़ी ही बड़ा स्टोर है ये। तो ये काफ़ी अच्छा सिस्टम है, यहाँ पर आप अपना गाड़ी का मॉडल डाल दो और वो वाइपर का साइज़ और जो भी ब्रांड है वो निकाल के देता है, तो हमें किसी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हम खुद ही यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो हमने अब राइट का भी ले लिया है, तो लेफ्ट और राइट दोनों हो गए, अब हम घर चलते हैं और इन्हें जाके रिप्लेस करते हैं, देखते हैं हम खुद कर पाएंगे कि नहीं, होपफुली खुद हो जाए, क्योंकि अगर किसी शॉप में जाके करवाएंगे तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर लेबर का जो भी काम होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं, इवन चाहे छोटा ही काम हो। मुझे लग रहा है आपने थोड़ा साइड वॉक पर चढ़ा दी गाड़ी सलमान खान की तरह। नहीं चढ़ाई मेरे बेबी, वो ऐसा लगता है लेकिन चढ़ाई नहीं है। चलो चलो देखते हैं। नहीं ज्यादा नहीं चढ़ी, इट्स ओके। सो आई एम नॉट सलमान खान, राइट? नहीं। तो वाइपर तो चेंज हो चुके हैं, नए वाइपर लग चुके हैं कार में, आप देख ही सकते हैं, और ये पुराने वाइपर हमने निकाल दिए हैं, इन्हें हम फेंक देंगे अब, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमें थोड़ा टाइम लगा फिगर आउट करने में, बट फाइनली हमने चेंज कर ही दिया। इन्होंने ये मैनुअल भी दिया था साथ में पैकेजिंग के, जिसे हमने पढ़ के वाइपर चेंज कर दिया, और हम थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, एक दो लोगों ने हमें स्ट्रगल करते हुए देखा भी जो वॉक कर रहे थे यहाँ पे, तो उन्होंने रुक के हेल्प भी करी, काफ़ी हेल्पफुल लोग हैं यहाँ के। तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर ख़त्म, होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करना। See you next time.